हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करूंगा आई भूमि IB505। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बॉक्स के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर IMER नंबर दिया हुआ है और दूसरे साइड में देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस मेंशन किया हुआ है 4899 रुपीज़। बट आपको ये शॉप क्लू में 4000 रुपीज़ में मिल जाएगा। और बॉक्स के पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे 5 इंच की QHD IPS डिस्प्ले है और डुअल सिम 4G ये सपोर्ट करता है और 1GB की रैम है, 8GB की रोम मिलता है, रियर कैमरा 5MP का मिलता है और फ्रंट फेसिंग कैमरा 5MP का है और ये एंड्रॉयड मार्शमेलो 6.0 के साथ आता है और इसमें 1.2 GHz की क्वाडकोर की प्रोसेसर है और ये फ़ोन आपको 128GB तक मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है, 3000mAh की बैटरी मिलता है और 4G वाईफाई हॉटस्पॉट मिलता है। तो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं तो बॉक्स के अंदर मिलता है ये हैंडसेट, तो इसको साइड में रखते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर और क्या कुछ मिलता है। तो बॉक्स के अंदर चार्जर दिया हुआ है जो कि चार्जिंग एडेप्टर है और ये फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है और ये 5 वोल्ट का है और यहाँ पर डेटा केबल दिया हुआ है, साथ में आपको हेडफोन मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा बात है और यहाँ पर 3000mAh की बैटरी मिलता है और यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड यहाँ पर मिलता है। तो ये सब को साइड में रखते हैं तो ये फ़ोन काफ़ी हल्का है और इसको मैं बैटरी लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल सिम कार्ड और माइक्रो SD कार्ड आप यूज कर सकते हैं, इसमें आपको हाइब्रिड स्लॉट नहीं मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं मेरा जियो सिम और SD कार्ड लगा दिया है, उसके बाद यहाँ पर बैटरी लगा के मोबाइल को स्टार्ट कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसका डिज़ाइन से, तो देख सकते हैं इसका डिज़ाइन ठीक ठाक है और ऊपर आपको कैमरा मिलता है 5MP का और नीचे की तरफ देखें तो 3 कैपेसिटी बटन मिलता है और ये राइट साइड में अगर देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलता है और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो पावर बटन और वॉल्यूम बटन मिलता है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो USB पोर्ट मिलता है और 3.5mm की ऑडियो जैक मिलता है और नीचे की तरफ प्राइमरी माइक वॉइस कॉलिंग के लिए दिया हुआ है और पीछे की तरफ 5MP का कैमरा और LED फ्लैश और ब्रांड आई भूमि का और नीचे वॉल्यूम स्पीकर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं मोबाइल को सेटअप कर चुका हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, 5 इंच के आपको डिस्प्ले मिलता है QHD की, तो इसका व्यूइंग एंगल काफ़ी अच्छा है, तो इसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है और ये फ़ोन की ब्राइटनेस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको सेटिंग्स पर चलते हैं और देखते हैं ये एंड्रॉयड वर्जन क्या इसमें दिया हुआ है। तो अबाउट फ़ोन में चलते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन 6.0 दिया हुआ है। तो इसका इंटरनल स्टोरेज 8GB की है और इसमें आपको फ्री मिलता है 4GB तक और मैं यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पर आपको 4GB तक फ्री मिलता है और ये फ़ोन की जो रैम है वो 1GB का है, यहाँ पर आपको फ्री मिलता है 595MB की और ये फ़ोन 4G सपोर्ट करता है, डुअल सिम 4G ये फ़ोन सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं 4G और ये फ़ोन से आप जियो सिम से डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और ये फ़ोन की कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 5MP का रियर कैमरा मिलता है विथ LED फ्लैश। तो कैमरा को ओपन कर लेते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा ठीक ठाक यहाँ पर आपको मिलता है। तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये फ़ोन की कैमरा ठीक ठाक है, देख सकते हैं फ़ोटो ठीक ठाक आया है, कैमरा एवरेज आपको मिलता है। इसका सेटिंग्स पे अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको पैनोरामा मोड और वाटरमार्क और टाइम लैप्स मिलता है और सेटिंग्स पे देखेंगे कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है और साथ में यहाँ पर ब्यूटी मोड और फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको 5MP का मिलता है और आप फ्रंट कैमरा से आप फ़ोटो ठीक ठाक क्लिक कर पाएंगे। तो ये कैमरा से मैं कुछ सैम्पल फ़ोटोज़ और वीडियो आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा इसका कैमरा कैसा है। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फी कैमरा से मैंने लिया है फ़ोटो, कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। और ये फ़ोटो मैं रियर कैमरा से लिया है जो कि 5 मेगापिक्सल का है, तो यहाँ पर रियर कैमरा थोड़ा मुझे बेटर लगा सेल्फी कैमरा से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको फ़ोटो मिलता है। और यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड किया है रियर कैमरा से, कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, देख सकते हैं। और ये फ़ोन 2 मल्टीटच सपोर्ट करता है। और बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पर नैनोमार्क 2 में 58.8 FPS आया है। और गीक बेंच के स्कोर देखेंगे तो सिंगल कोर में 436 और मल्टी कोर में 1170 आया है। और नीचे आपको कुछ सिस्टम इंफॉर्मेशन वगैरह आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ये फ़ोन मत लीजिए। अगर आपका बजट 4000 है तो आपका बजट बढ़ाइए और रेडमी 4A ले लीजिए, वो आपको 6000 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड को, और किसी भी तरह का सवाल या सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और नीचे आपको रेड कलर की सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है अजय, मैं मिलता हूँ कुछ नया वीडियो के साथ। ठीक है।